Hello students, today we are going to start the first chapter of class 11th. Book name is Hornbill and the lesson name is The Portrait of a Lady. Author name is Khushwant Singh. In The Portrait of a Lady, Khushwant Singh draws a life like pan portrait of his grandmother. He had intimate relations with her since his childhood. Suddenly a turning point came in their relationship. And now we will read about it in this lesson. So let's begin the lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest and he looked at least a hundred years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite upshot and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So in the first paragraph, the author Khushwant Singh draws a pan portrait of his grandmother. Khushwant Singh says that Junki grandmother thi, wo sabhi ki grandmother hoti hai, same aise hi thi. She was completely an old woman. Wopurita Rose old woman thi. and ये काफ़ी बिलीव करना काफ़ी उनके लिए बहुत हार्ड था कि उनकी ग्रैंड मदर लाइफ में कभी एट्रैक्टिव और यंग रही होंगी एंड ये हमारे लिए काफ़ी हमेशा अनबिलीवेबल रहता था एंड जो उनके ग्रैंड फादर थे उनकी जो पिक्चर थी वो उनके ड्राइंग रूम में टगी हुई थी एंड वो एटलीस्ट हंड्रेड इयर्स के दिखाई पड़ते थे एंड जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उन्हें अपने गेम्स के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी एंड वो उन्हें स्टोरीज भी सुनाती थी शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंड हर फेस वॉज द क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एवरीवेयर नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड

एंड वो फैट थी और झुकी हुई थी एंड स्लाइटली बैंड मीन्स झुकी हुई थी उनका जो चेहरा था उसमें रिंकल्स पड़ गए थे झुर्रियां पड़ गई थी एंड वो ऐसा लगता से ट्वेंटी इयर्स से सेम एज में रही हैं मतलब मीन्स वो ट्वेंटी इयर्स से एक जैसी दिखाई देती थी वो सीधे नहीं चल सकती थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल बट वो हमेशा से ब्यूटिफुल थी She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains an expanse of pure white serenity, breathing. पीस एंड कंटेंटमेंट। सो यहाँ पे ऑथर कहते हैं जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से काफ़ी ब्यूटीफुल थी बोलते हैं कि वो अपने वाइट कपड़ों में इधर उधर जाती फिरती थी मीन्स वो स्ट्रेट नहीं चल सकती थी वो लंगड़ाती हुए चलती थी एंड जो अपना वो एक हाथ अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अपने वेस्ट पर रखती थी एंड दूसरा हाथ वो अपने हाथ और दूसरे हाथ में वो अपनी रोजरी पकड़ती रहती थी रोजरी मीन्स अपनी जपमाला पकड़ी रहती थी जिसमें वो मन के फेरती थी बीट्स मीन्स होता है मन के जो उनके हेयर्स थे वो सिल्वर की तरह शाइन करते थे और जो उनके पेल फेस पे चमकते थे उनके लिप्स हमेशा ऑडिबल प्रेयर करते थे यस शी वॉज ब्यूटिफुल हाँ वो बहुत ब्यूटिफुल थी अब बोलते जो उनकी ग्रैंड जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा एक पीस और सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती थी पीस एंड कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करती थी माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे टू लिव इन दिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल सो so, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मेरे ग्रैंड मदर एंड मैं एंड मी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे पेरेंट्स जब सिटी को गए मीन्स शहर में गए तो वो मुझे मेरे ग्रैंड मदर के साथ छोड़ गए थे और हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे वो मुझे हमेशा मॉर्निंग में उठाती थी और मुझे स्कूल को रेडी करती थी शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोना सिंग सॉन्ग वाइल्ड शी बाथ हेड एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she should fetch my wooden slate, which he had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot and a rag pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. she she several slate she carries शी कैरीट chapatis with कैरीज सेवरल चपातीस विज डॉग्स सो खुशवंत सिंह यहाँ पे बोलते हैं जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उन्हें मॉर्निंग में उठाती थी और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी और उसके बाद वो जो उनकी प्रेयर थी उसे वो गाया करती थी और वो उसके लिए एक लकड़ी की सॉरी जो एक वुडन स्लेट थी उसके लिए वो उसको रोज को रेडी करती थी और उसने इंक और एक रेड पेन साथ में देती थी और उन्हें एक बंडल में कवर करके उसे खुशवंत सिंह को दे देती थी और वे एक उसे मोटी रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के और उसमें शुगर स्प्रेड करके उन्हें देती थी एंड देन वे दोनों स्कूल जाते थे और साथ में वो बहुत सारी चपातीज हैं साथ में ले जाती थी जो विलेज के डॉग्स हैं उनके लिए लेके जाती थी My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet for the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोवलिंग एंड फ्राइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू दैम सो इसमें बोलते हैं जो ऑथर हैं जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी इसलिए जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था और जो वहाँ के जो प्रेयर्स थे जो वहाँ के प्रेयर्स थे वो उन्हें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे जब चिल्ड्रन अब बोलते हैं जब जो बरांडा था उसके दोनों साइड में स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन थे वो बैठते थे और वहाँ पे एक कोरस गाते थे कोरस और कोरस में प्रेयर्स गाते थे एंड बोल रहे हैं जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो मंदिर के अंदर बैठती थी वहाँ पे वो अपनी बुक्स पढ़ने में अपना टाइम स्पेंड करती थी और जब वो घर आते थे वो साथ में उनके साथ घर आती थी और गांव के जो डॉग्स थे जिनके लिए उनकी ग्रैंड मदर चपातीस लेके जाती थी वो दादी को देखते ही वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते थे और वो रोटियों के लिए काफी ग्रोल करते थे और आपस में फाइट करते थे वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दिस सेंड फॉर अस दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अर रिले फ्रेंडशिप Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she looked to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब बोलता जब मेरे पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्हें मेरे और मेरी दादी को वहाँ बुला लिया था ये हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया बोलता कि हालांकि जो है हम सेम रूम हम सेम रूम शेयर करते थे बट मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी और मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा और मैं मोटर बस से जाता था और वहां पे कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे जिन्हें वो फीड कर सकती थी जिन्हें वो रोटियां दे सकती थी बट वो जो हमारे कोर्ट यार्ड है वहां पे स्पैरोज आती थी वो उन्हें फीड करती थी एज दस रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वॉर द टीचर है इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वर्ल्ड बींग राउंड एटसेट्रा दिस मेड आर अनहेप्पी तो आप बोलते हैं कि उनकी जो रिलेशन है उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया था जो उनकी ग्रैंड मदर थी अब वो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी एंड बट लेकिन वो क्या है मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मैं स्कूल को मुझे रेडी करती थी और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे हमेशा पूछती थी कि मुझे स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया और मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और जो कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में जो मैंने सीखा था वो बताता था लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था आर्कमेडीस के प्रिंसिपल के बारे में बताता था दिस मेड हर अनहैप्पी ये सब उन्हें काफी अनहैप्पी फील कराता था शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स वो मेरे लेसन्स के लिए मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी शी डिड नाट बिलीव इन दिंग्स दे टॉट एट द इंग स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देअर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिविन म्यूजिक लेसन्स शी वॉज वेरी डिस्टर्बड टू हर म्यूजिक हेट लॉर्ड एसोसिएशन इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हार्ड लोड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंॉर जेंटल फॉक शी nothing, नथिंग बट हर साइलेंस disapproval. She शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनकी एजुकेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी तो बोलते हैं कि एक दिन एक दिन मेरी ग्रैंड मदर शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्टर्स देर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वो इस बार से काफ़ी डिस्टर्ब थी कि जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे गॉड के बारे में स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं होती है तो बोलते है कि एक दिन मैंने बताया था कि मेरे स्कूल में जो है वो म्यूजिक लेसन स्टार्ट होने वाले हैं हमें म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ये सब सुन के म्यूजिक के बारे में सुन के काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्कूल में म्यूजिक की एजुकेशन दिया जाना ठीक नहीं था उन्हें लगता था कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ बैगर्स एंड हॉलोड्स के लिए ही ठीक है उन्होंने कुछ कहा नहीं बट लेकिन उन्होंने अपना साइलेंस में अपना डिसअप्रूवल दिया और उसके बाद उन्होंने ऑथर से बात करना काफ़ी कम कर दिया था when आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई was गिवन अ रूम ऑफ my ओन the common link of friendship was snapped. my grandmother accepted her seclusion with resignation. she rarely left her spinning wheel to talk to any more. from sunrise to sunset she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. while she sat in the veranda, breaking the bread into little bits hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedroom, bedlam of chirrupings. some came and perched on her legs, others on her shoulders. some even sat on her head. she smiled, but never shooed them away. it used to be the happiest half hour of the day for her.